जय यीशु। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु के भवन में, और आइए हम सब स्तुति प्रशंसा की ओर जाएंगे। आप सब अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम साम 105 भजन संहिता 105 का 1-5 तक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कर्मों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो, यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शनों के लगातार खोजी बने रहो। पांचवे में लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों का स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आमेन। आइए आज के दिन जब हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, तो जब हम गीतों को गाते हैं, वो सिर्फ गीत नहीं, हमारे हृदय से एक प्रार्थना के उससे निकले। Yeah.
जीवन की गवाही थी। आमेन। परमेश्वर महान है और उनके जैसा कोई भी नहीं है। वो ही है जो अब से लेकर अंत तक होंगे। आमेन। उनके जैसे उनके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। यस ओके। आइए हम दूसरे गीत को जब गाएंगे, एक एक्साइटमेंट की उससे और एक अपनी टेस्टिमनी की ओर से ऐसे गाएंगे कि वो हमारे हृदय से एक प्रार्थना है। ठीक है ओके। ताली बजाते हैं।
धन्यवाद दें, क्योंकि वो ही है सिर्फ योग्य का परमेश्वर। सो सारी प्रशंसा और योग्य के आदर का सिर्फ वही है। परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोले, अपने हाथ को उठाए और धन्यवाद दें जो भी उन्होंने आपके जीवनों में किया है। अगर आप इस जगह पे सेफली पहुंचे हैं तो ये भी परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके ऊपर है। परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, वही ऐसा परमेश्वर है जो सारी सृष्टि जो हमें कभी छोड़ता नहीं है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप हमारे एक जीवित आशा है परमेश्वर पिता, आपको छोड़ के कोई नहीं परमेश्वर पिता। जब चीजें बिखरी हुई होती हैं तो आप उसे सही करते हैं परमेश्वर पिता, और जब हम किसी और के पास जाते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता, पर लेकिन जब हम आपके पास आते हैं आप हमें गले से लगाते हैं। धन्यवाद हर एक चीज़ों के लिए, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। जितने आशीष हैं, जिस स्थान पे आप हैं, जिस पोजीशन पे आप हैं, वहाँ पे परमेश्वर आपको लेके आया है, और कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर आपको लेके आया है। अगर उनका ग्रेस आपके ऊपर से उठ गया तो वो पोजीशन, वो स्टेटस किसी बात का नहीं रहेगा। धन्यवाद दे, उसके नाम को धन्य कहे। स्वर्ग दूत भी उसके नाम को धन्य को कहती है, उसकी प्रशंसा को करती है। अपने मुंह को खोले, अपने हृदय से उनको धन्यवाद दे, क्योंकि वो ही सिर्फ 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 वही योग्य है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। हमारा चंगाई करता, असंभव को संभव करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर है।
हालेलुया प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु, आप पवित्र हैं, आप प्रेमी हैं, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वही है, सिर्फ वही है लॉर्ड। हालेलुया यीशु, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद आपने हमें चुना परमेश्वर, धन्यवाद आपने हमें चुना प्रभु जी। आपका जैसा जीवन हम जीने पाए प्रभु, हमारा कैरेक्टर प्रभु एक ऐसा कैरेक्टर होने पाए कि लोग आपको देखने पाए हमारे जीवन में, आपके जैसे प्रेम करने पाए प्रभु जी। अपने सामर्थ्य में भर दे पवित्र आत्मा, हमें सिखाइए कि हम कैसे आपके जैसे जीवन को जी सकते हैं, कैसे हम आपके कैरेक्टर को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं, एक अच्छा उदाहरण, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा हृदय जो आपको ढूंढता हो, आपके प्यासी होने पाए प्रभु जी। एक तृष्णा हमारे जीवनों में आप भर दीजिए प्रभु जी, हम आपको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में बढ़े, मेरा मैं नहीं, मेरा घमंड नहीं और कुछ नहीं प्रभु, पर आप, आपका कैरेक्टर, आपका जैसा जीवन जीने में प्रभु हमें सहायता करें। आप बढ़े और मैं घटता जाऊं, हम कम होते जाए पर लेकिन आप मेरे जीवन में बढ़ते जाइए प्रभु, मुझे सिखाते जाइए कि कैसे जीवन को जीना है, क्योंकि आपने हमें बनाया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके लिए जीने पाए, संसार के लिए नहीं पर आपके लिए, आपका और मेरा प्रार्थना होने पाए आज के दिन पे।
एक जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, हर एक जन हाथों को उठाकर इस बात को अपने दिल की गहराई से अंगीकार करें, दिल की गहराई से ईमानदारी से कहें, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरा मैं घटने पा है और यीशु राज्य सिंहासन पर वास करे, राज्य सिंहासन पर बैठे। होने दे मेरे जीवन के लिए ये बात सच हो कि प्रभु यीशु मेरा मैं घटे, मेरा मैं घटने पा है, या और कोई यदि मेरे जीवन के सिंहासन पर विराजमान है वो उतरने पाए या घटने पाए, और केवल यीशु ही मेरे जीवन में राज्य करे। हालेलुया। इसीलिए जबकि हमारे हाथ स्वर की ओर उठे हुए हैं, इस बात को हम कहें और कहें, तू बढ़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे। ओ प्रभु यीशु, ये हमारी प्रार्थना है, तू बढ़े मैं घटू, हालेलुया, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े ओ मेरे यीशु, मैं घटू, मेरा मैं उतरने पाए, मेरे जीवन से केवल यीशु, केवल यीशु तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु यीशु, ये हमारी प्रार्थना है आज की सुबह। खीरा से हमारी दिल की पुकार, हमारे जीवन के गहराइयों से ये प्रार्थना स्वर्ग की ओर उठती है, हे प्रभु यीशु। और आज की सुबह जबकि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपके नाम में, इसीलिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं, और इस बात के लिए हम न केवल आभारी हैं परंतु ये हमारा एक सौभाग्य है कि आप जो राजाओं के राजा है, आप जो सारे सृष्टि के कर्ता हैं, आप जो हम सबों के मालिक और स्वामी हैं, आप प्रभु जी जो हमारे प्रतापी यहोवा परमेश्वर हैं, आप यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि हम हैं यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हैं क्योंकि आप ही योग्य हैं, आप ही योग्य हैं। हालेलुया। कुरबा शबा बरा बाला बरे अंदर रहे। हम अपना हाथ से परमेश्वर को महिमा दी। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहे थे आपने ऐसा किया, अभी समय है कि हम अपना मुंह से आराधना करें, तीन बहुत ऊंचा स्वर से हालेलुया बोलें। आमेन, आमेन, आमेन। इट इज गुड टू प्रेज द लॉर्ड। ये भली बात है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। फॉर सम पीपल इट इज मोर कंफर्टेबल टू प्रेज द लॉर्ड जस्ट बाय डूइंग दिस। और कुछ लोगों के लिए इतना ही काफी है कि वो ताली बजा के स्तुति करें। बट द बाइबल सेज, लेकिन बाइबल बताती है, ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट, कि अपने मुंह को खोलो और मैं उसे भर दूंगा, परमेश्वर कहता है। It is very necessary and important that we use our mouth to praise the Lord. और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मुंह का भी इस्तेमाल करें परमेश्वर की स्तुति में। And when you praise the Lord, say hallelujah, don't worry about what your neighbor thinks. और जब आप जोर से हालेलुया और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप चिंता ना करें कि हमारे बगल वाले क्या सोचेंगे। Because we are doing it for whom? क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी आराधना के लिए।
So may the Lord bless you as you continue to grow in your praising the Lord and worshiping God. So Parmeshwar aapko aashish de jabki aap lagatar Parmeshwar ki stuti aur aradhana karte hain. The book of Romans, the letter of Paul he wrote to the Roman church. Aur Paulus ki patri jo Paulus ne Romi kalisiya ke liye likha tha. Chapter 3 uska teesra adhyay verse 18. 18 pad. Just one verse we shall read. एक पद को हम पढ़ेंगे. I'm sorry, that is not the verse. The Gospel according to Saint Mark. I'm sorry. माफ कीजिएगा. मरकुस रचित सुसमाचार. Chapter 11. उसका 11वां अध्याय. Verse 22. उसका 22 पद. The Gospel according to Saint Mark, chapter 11, verse 22. Markus rati sushamachar uska 11 adhyay 22 vachan hum padhenge. Go ahead. Yeshu ne usko uttar diya, Parmeshwar par vishwas rakho. Yeshu ne kya uttar diya? ये किसको ये ही स्पीकिंग टू हिज डिसाइपल्स यीशु अपने चेलों से बोल रहे हैं एंड द ओकेशन इज और अवसर यही है हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस मिरेकल जीसस डिड ही केम टू अ फिग ट्री एंड द फिग ट्री डिड नॉट हैव एनी फ्रूट और आप में से कितने लोगों को याद है कि यीशु इस समय एक अंजीर के पेड़ के पास आए थे और उस पेड़ में कोई फल नहीं था एंड देन जीसस कर्स्ड दैट ट्री फिर यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया एंड इमीडिएटली दैट ट्री वाज कंप्लीटली ड्राइड अप फ्रॉम द रूट और अचानक वो पेड़ जो है अपने जड़ से ही वो सड़ गया Now that means, और इसका अर्थ यही है you know, sometimes you can cut a tree from the bottom, but the stump will remain there, and that tree can grow up again. और बहुत बार हम पेड़ों को काटते हैं लेकिन उसका जड़ वही रहता है और वो पेड़ फिर से बढ़ता है As long as its roots are safe. और जब तक उसका जड़ वहाँ पर नहीं सही नहीं है नहीं नहीं वो बढ़ेगा या जब तक या बढ़ेगा जब तक जड़ में जान है तो वो ट्री बढ़ेगा लेकिन इधर ऐसा कोई मौका वो पेड़ के लिए नहीं देयर इज नो वे दैट ट्री विल ग्रो अप अगेन लेकिन अब यहाँ पर कोई मौका नहीं दिखता है कि ये पेड़ बढ़ेगा व्हाई क्यों बिकॉज इट वॉज ड्राइड फ्रॉम द रूट क्योंकि ये उन जड़ से ही वो सड़ गया था द कर्स ऑफ गॉड दैट्स व्हाट द कर्स ऑफ गॉड डज और यही परमेश्वर का श्राप ने किया सो यू डोंट लिव टू बी कर्स्ड बाय गॉड और इसलिए हमें ऐसे नहीं रहना है कि परमेश्वर हमें श्राप दे दे गॉड इज वेरी पेशेंट परमेश्वर बहुत धीरजमंद है And he is very kind. और बहुत दयालु है. And he is long suffering. और बहुत देर तक इंतजार करते हैं. He gives us opportunities again and again and again. और बार-बार हमें अवसर देते रहते हैं. But if we continue to resist him. लेकिन अगर हम लगातार उसका विरोध करते रहेंगे. You come under the curse. फिर हम उस श्राप के नीचे आ जाएंगे. Now once that happens. और एक बार ऐसा हो जाए. It is very impossible. The Bible says. For you to return. So Bible के अनुसार फिर असंभव सा हो जाता है कि आप फिर से लौट जाएं. That is not my subject. आज का ये मेरा विषय नहीं है. But I just want to say that as a warning to all of us, a tree is meant to be fruitful.
लेकिन मैं सिर्फ ये एक चेतावनी के रूप में बताना चाहता हूँ कि अगर एक पेड़ है तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो फलवंत रहे। Now my topic is this was the only destructive miracle Jesus did. और ये यही एकमात्र ऐसे चमत्कार था जो हम देखते यीशु ने किया जो नाशवान था। If you read that whole story in this passage, अगर आप पूरे कहानी को पढ़ेंगे, you will also read that when Jesus came and looked at the tree, it was not the season of the fruit. और आप पाएंगे कि जब यीशु मसीह उस पेड़ के पास आए थे तो उस समय वो फल लाने का समय नहीं था। Every tree has a season. हर एक पेड़ का एक समय होता है। You don't get दशहरी मांगो throughout all 12 months. और दशहरी आम जो है हमें पूरे 12 महीने नहीं मिलता है। There is a season. उसके लिए एक मौसम होता है। All are waiting for that season. और हम सब उस मौसम का इंतजार करते हैं। जैकफ्रूट ट्री या कटहल का पेड़, दैट ट्री डजंट ब्रिंग फॉर जैकफ्रूट ऑल द टाइम। वो हमेशा कटहल को उत्पन्न नहीं करता है। इट हैज इट्स सीजन, उसका अपना समय होता है। और कैशनट ट्री या फिर कैशनट, इट ऑल काजू, इट आल्सो हैज अ सीजन, उसका भी एक मौसम है। आई एम मेंशनिंग दीस ट्रीज बिकॉज दीस आर ऑल इन केरला, कैशनट एंड जैकफ्रूट एंड इन प्लेंटी। और ये सारे चीज़ें बहुतायत से केरल में मिलते हैं। एंड सो द फिक ट्री ऑल्सो हैज अ सीजन, सो अंजीर का पेड़ का भी एक मौसम है। एंड द क्लियरली सेज इट वाज नॉट द सीजन ऑफ, और यहाँ सफाई से लिखा है कि ये उस पेड़ का मौसम नहीं था फल लाने का। बट देन द क्वेश्चन कम, लेकिन फिर सवाल उठता है, देन व्हाई शुड जीसस कर्स दैट पुअर ट्री, तो फिर यीशु ने उस पेड़ को श्रापित क्यों किया, नोइंग इट वाज नॉट द सीजन, ये बात जानते हुए कि वो समय नहीं था फल लाने का। एंड देयर इज अ रीजन, और इसके पीछे एक कारण है, दैट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रीजन यू हैव टू नो द नेचर ऑफ अ फिक ट्री, और इसके पीछे कारण पाने के लिए आपको उस पेड़ का स्वभाव को जानना है। यू नो द फिक ट्री डज नॉट ब्रिंग फोर्थ लीव्स फर्स्ट, लीव्स, और वो पेड़ जो है पहले पत्तियों को नहीं लाता है, फर्स्ट बिफोर द लीव्स कम फोर्थ, और इससे पहले कि वो पत्ती आ जाए उस पेड़ में, द ट्री विल ब्रिंग फोर्थ द बड्स ऑफ द फ्रूट, और वो पेड़ जो है उस फल का जो बीज है, कोपले हैं, वो पहले उत्पन्न करेंगे। या एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद स्लोली द लीव्स स्टार्ट टू कम, धीरे धीरे उसके पत्तियां निकलेंगे। दैट इज द नेचर ऑफ, यही इसका स्वभाव है। नाउ व्हाई डिड जीसस कर्स द ट्री, यीशु ने उस पेड़ को क्यों श्रापित किया? He came near the tree, वो उस पेड़ के पास आए, and he examined the tree, और उस पेड़ को जांचा। I mean, don't think Jesus was so careless and casually he just wanted to curse. No, that was not the और reason. ऐसा नहीं है कि यीशु लापरवाही किए और बिना कुछ जाने उन्होंने श्रापित कर दिया। He came to the tree, उस पेड़ के पास आए, and he touched the tree, और पेड़ को छुआ, and he examined the tree, और उसको जांचा। You know why? All what was he doing? और वो doing क्या कर रहे थे? He was checking whether there was fruit. और वो इस बात को देख रहे थे कि क्या ये पेड़ फल को उत्पन्न करेगा? Why? क्यों? Because when he looked at the tree from a distance, क्योंकि जब दूर से उन्होंने उस पेड़ को देखा, the tree was full of leaves. उस पेड़ में वो पूरा पत्तियों से भरा हुआ था। Everywhere, all the branches. सारे डालियों में full of trees, full of leaves. बहुत पत्तियां थे। And so he was hungry. और यीशु भूखे थे। He was in Bethany the previous night. और पिछली रात को वो बेथनी में थे। And early in the morning he started off to Jerusalem. और सुबह सुबह उठकर वो यरूशलम के यात्रा पर निकले। So it happened on his way to Jerusalem. So उस यात्रा पर थे यीशु, यरूशलम जा रहे थे। And he had a need.
और उनकी एक आवश्यक पड़े। Apparently he started off before breakfast. और सुबह के नाश्ता खाने से पहले ही वो निकल गए। And so by the time he arrived at the tree's place. So जब तक वो उस पेड़ तक पहुँचे। He was hungry. वो भूखे थे। And with hope he saw this fig tree full of leaves. और बहुत आशा के साथ वो उस पेड़ के पास गए कि बहुत से पत्तियां दिख रहे हैं। And he naturally thought that there would be fruit. और स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोचा कि इसमें फल होगा। Because it has all the appearance of a fruitful tree. क्योंकि बाहरी रूप से दिखने में ऐसे लग रहा था कि ये बहुत फलवंत so एक पेड़ that, है। With that hope he came near the tree. और उस आशा के साथ वो पेड़ के पास आए। And lifting up certain branches, he must have looked fruit. There should be leaves means there should be fruit. और पत्तियों होने का मतलब यही है कि उसमें फल होना चाहिए। And when he saw there was no fruit. और जब उन्होंने देखा कि इसमें कोई फल नहीं है, he cursed the tree. उस पेड़ को श्रापित किया. Let no man ever eat any fruit from this tree. और बोले कि आगे कोई भी मनुष्य इस पेड़ से कोई फल ना खाए. And it is when the disciples saw the tree was dried up. और जब चेलों ने देखा कि ये पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है. And suddenly they were surprised. और अचानक वो चकित हो गए. They called the attention of Master Jesus. Jesus, Lord, look, the tree you've cursed is dried up. और स्वामी को पुकारने लगे कि हे स्वामी, ये पेड़ तो सूख गया. And Jesus answered to the disciples in response to their surprise. और तब यीशु ने चेलों को उस बात पर उत्तर दिया. How did it happen? ये कैसे हुआ? And Jesus simply said. और यीशु ने सिर्फ इतना ही कहा. Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो. And then Jesus explained to them. और फिर यीशु ने समझाया. Now I want to talk about the faith that Jesus was talking about. अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ उस विश्वास के विषय में जो यीशु मसीह बता रहे थे. The Greek phrase Jesus used was pistin theos. और जो यूनानी भाषा में यीशु ने जो वाक्य कहा वो पिस्टिन थियो है. And it means. और इसका अर्थ यही है. This would make the phrase mean literally. Faith of God. और वास्तविक में इसका अर्थ यही है परमेश्वर का विश्वास. Have a faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो. Means have faith of God. मतलब परमेश्वर का विश्वास रखो. और या फिर faith from God. परमेश्वर की ओर से विश्वास. In the sense of faith given to you by God. और ऐसे कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास. Many times we hear you believe have faith but you say yeah I have faith God will heal but nothing is happening why. और बहुत बार कहा जाता है कि विश्वास रखो परमेश्वर चंगा करेगा और हम कहते हैं विश्वास है लेकिन बहुत बार कुछ होता नहीं है. Such faith requires the response of faith in God. और ऐसे विश्वास की जरूरत है उस समय कि परमेश्वर पर विश्वास रखना. बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट कैन बी अ फेथ फ्रॉम विद इन अस. और लेकिन हमें यह समझना है कि हो सकता है वो विश्वास हमारे अंदर से है. दैट मीन्स फ्रॉम अस. मतलब हमारी ओर से. That is not the faith we require to please God. वो विश्वास की जरूरत नहीं है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए. In the Bible, therefore, Bible में, this phrase means. इसका अर्थ यही है. God is the object of our faith. कि परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना है. God also is the source of our faith. लेकिन परमेश्वर ही उस विश्वास का स्रोत भी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
आप समझ रहे हैं हमारी बात को. Therefore, so इसलिए what I need, what you need is faith of God. और मुझे और आपको ये जरूरत है परमेश्वर का विश्वास. और faith from God. परमेश्वर की ओर से जो विश्वास है. Entering into you. जो हमारे अंदर आती है. That means God has to release that faith into you. इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर को परमेश्वर आपको वो विश्वास दे. In the Gospel according to Saint Luke chapter 6. लूका रचित सुसमाचार उसके छठे अध्याय में verse 12. बारहवीं आयत. Luke chapter 6 verse 12. लूका उसका छठा अध्याय बारहवीं आयत. One of those days Jesus went out to a mountainside to pray and spend the night praying to God. और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई. He was praying to whom? किससे प्रार्थना कर रहे थे? परमेश्वर से. What was his need? उसकी आवश्यकता क्या थी? Now here Jesus Christ is living his human life. अब यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने मनुष्य के रूप में अपने जीवन को बिता रहे हैं. And why this God has to become a man and live as a man? और क्यों जरूरत पड़ गया कि परमेश्वर एक मनुष्य बन जाए और मनुष्य के जीवन को बिताए? Because he wanted to identify himself to man and his struggles and his problems and his all the things that humanity goes through, he wanted to experience it personally. So परमेश्वर चाहते थे कि एक मनुष्य के रूप में वो उन सारे बातों का अनुभव करे जो भी समस्याएं और बातों से मनुष्य गुजरते थे. And so he totally depended on his father. So इसलिए उस समय वो पूरे रीति से अपने पिता के ऊपर निर्भर थे. He did not take one step forward or did not do anything without speaking to his father. और अपने पिता से बातें करे बगैर वो कोई भी कार्य नहीं करते थे और कोई भी बात नहीं बोलते थे. Once he speak to his father. और एक बार वो अपने पिता से बातें कर लेते थे. And he make sure that he has the faith. और निश्चय कर लेते थे कि उनके अंदर वो विश्वास आ गया. Given to him by his father. और जो कि अपने पिता के द्वारा दिया गया. And he began to see what our naked eyes cannot see. और वो उन बातों को देखने लगे जो हम अपने इन शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते. And he began to see what you and I cannot see. और उन बातों को देखने लगे जो आप और मैं नहीं देख सकते हैं. And you need to have therefore this faith coming from God, who is the source of our faith, and that is the faith that this ये जरूरी है कि हम उस विश्वास को पाए जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर हमें दे. Now such faith requires the response of faith in God. और ऐसे विश्वास को पाने के लिए हमें परमेश्वर के प्रति उत्तर देना है. Faith in God. परमेश्वर के प्रति विश्वास. From us. हमारे अंदर से. Where God is the object of our faith. जहां परमेश्वर ही हमारे विश्वास के योग्य है. That's why Jesus was always in contact with his father. और इसी कारण से यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के साथ वो संबंध को बनाए रखते थे. And here in Luke's gospel we read that one of those days Jesus went out to pray. और यहाँ लूका में हम इस बात को पाते हैं उनमें से एक दिन यीशु मसीह गए प्रार्थना करने. So what does that mean? God is the object of our faith. और इसलिए परमेश्वर ही हमारे विश्वास का केंद्र होना चाहिए. And therefore God is the object of our prayer. और हमारे प्रार्थना का भी विषय परमेश्वर ही है. And in Romans chapter 3 verse 18. और रोमियो उसका 3 के 18 में. Again we read that God is the object of our prayer.
और वहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर ही हमारा प्रार्थना का विषय है. So I like to pass on to you three things, thought, three thoughts. और इसलिए तीन विचारों को मैं आपसे बताना चाहता हूँ. For you to carefully consider. ताकि आप ध्यान से उसे ध्यान में रखें. And listen carefully. ध्यान से सुने. Number one. पहली बात. All throughout the Bible. पूरे बाइबल में. When you read the Bible. जब आप बाइबल पढ़ते हैं. How do you read it? आप कैसे उसे पढ़ते हैं? You cannot understand the Bible with human wisdom or worldly wisdom. हम अपने ही समझ और बुद्धि से उस बाइबल को नहीं पढ़ सकते. Therefore, you don't even understand. और इसलिए हम बहुत से बातों को समझ भी नहीं पाते हैं. And so we need all these things have to be revealed to us. और इसलिए ये सारे बातों को हमें प्रकट किए जाना चाहिए. All through the Bible, पूरे बाइबल में, God is both the source and the object of a true faith. बाइबल ही विश्वास का वो विषय है और स्रोत भी है. Now, for example, उदाहरण के लिए, the Bible says, बाइबल बताती है, Abraham believed God. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया. God has promised so many blessings to Abraham. परमेश्वर ने बहुत से आशीषों को प्रतिज्ञा किया अब्राहम से. But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, it was not that Abraham is believing on his promises. ये ऐसा नहीं कि अब्राहम उसके प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास कर रहे थे. Is believing in whom? किस पर विश्वास कर रहे थे? God himself. परमेश्वर स्वयं के ऊपर. Who has given you the promise? और जिन्होंने उन प्रतिज्ञाओं को दिया. That is where we are failing in our faith. और यही पर हम अपने विश्वास में खो बैठते हैं. Many people come. बहुत लोग आते हैं. They come to be blessed. और आशीष पाने आते हैं. And we come to be healed. और चंगाई पाने आते हैं. And many times we say faith is everything. और बहुत बार हम बोलते हैं कि विश्वास ही सब कुछ है. But faith in whom? लेकिन किसके ऊपर विश्वास? Faith in what? किसके ऊपर विश्वास? And many of us may even believe in all the promise. Oh, I am the God who heals you. और बहुत बार हम उस वचन को लेते हैं कि परमेश्वर कहते हैं मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता है. That is a promise. ये एक प्रतिज्ञा है. And in the same way, God gave many promises to Abraham. और इसी प्रकार परमेश्वर ने बहुत से प्रतिज्ञाएं अब्राहम को दी. But in the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, when Abraham believed, जब अब्राहम ने विश्वास किया, he did not place his belief on the promises. अब्राहम उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर अपना विश्वास को नहीं रखा. But on the God of promises. लेकिन उस परमेश्वर के ऊपर जिन्होंने उन प्रतिज्ञाओं को दिया. Hallelujah. Amen. It is God. ये परमेश्वर है. He promised. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया. So what is the faith? So विश्वास क्या है? My God whom I believe. और मेरा परमेश्वर जिस पर मेरा विश्वास है. He is the one who is the healer. वही है जो चंगा करने वाला है. So when I come to pray to be healed. So जब मैं आता हूँ प्रार्थना के लिए चंगाई के लिए. My focus is not on the healing itself. मेरा ध्यान जो है उस चंगाई के ऊपर स्वयं नहीं है. That is where many people are failing. और यही पर बहुत लोग खो बैठते हैं. We fix our eyes on healing. हम अपने आँखों को चंगाई के ऊपर लगाते हैं. And then they say, if God heals me, then I will follow him. और फिर कहते हैं अगर परमेश्वर मुझे चंगा करेगा तब मैं उसके पीछे चलूंगा. We cannot place any condition before God. हम ऐसे शर्त परमेश्वर के सामने नहीं रख सकते. He loved you with an unconditional love. परमेश्वर ने बिना शर्त के प्रेम से आपसे प्रेम किया है. Then unconditionally he loved you and he went to the cross and he died for you, shed your blood, and so he has not come first to you and say, I want to love you, will you do this thing for me? And we were ugly, dirty sinners. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कोई शर्त को लिखा, लेकिन बिना किसी शर्त के परमेश्वर इस संसार में आए, उस क्रूस के ऊपर गए, अपने लहू को बहाया, अपने देह को तोड़ा आपके लिए और मेरे लिए. और इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर परमेश्वर मेरे लिए ये करेंगे तभी मैं उसके पीछे चलूंगा. We rebelled against God. हमने परमेश्वर के प्रति बलवा किया. We don't deserve anything from God except hellfire. और परमेश्वर की ओर से हम किसी बात
धन्यवाद के योग्य नहीं है बजाय सिर्फ उस नरक के आग में जलने के That was the only thing we deserved. हम उसी के योग्य थे Not any other blessing. कोई और आशीष के योग्य नहीं थे He doesn't have to love us. और जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे He doesn't have to die for us. जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए मरने चाहते Because we rebelled against him. क्योंकि हमने परमेश्वर से बलवा किया He never became our enemy. परमेश्वर कभी भी हमारे शत्रु नहीं बने But with his human being who became an enemy लेकिन ये मानव जाति है जो परमेश्वर का शत्रु बन गया And we show our fist against God. और हमने अपने मुट्ठी को दिखाया परमेश्वर की ओर And we curse God. परमेश्वर को Like many people do today. जैसे आज बहुत लोग करते हैं But what was the love that with which he loved you? लेकिन वो कौन सा प्रेम था जिससे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया Unconditional love. बिना शर्त के कोई प्रेम बोलिए ना बिना So, anybody heard? You know that Bina? You use that shout to the Lord with grateful heart. बिना शर्त का कोई प्रेम. Just a minute. बिना शर्त का प्रेम. Everybody got it? So why don't you shout? My brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों. We must fall prostrate before him hame parmeshwar ke samne dandavat karna hai girna hai for loving us unconditionally ki parmeshwar ne humse bina shart ke prem kiya hallelujah unconditional love he did not to tell you now you go and clean yourself behave you clean your heart and be a clean person and then you come then I will bless you aur parmeshwar ne ye bhi nahi kaha ki pehle tum jao apne aap ko sahi karo apne aap ko shuddh karo uske baad mere paas aao main tumhe grahan karunga so many people come just for the blessing aur isliye bahut log sirf aashish paane ke liye aate hain there is no guarantee lekin koi guarantee nahi hai god is not bound to you that he must bless you aur parmeshwar ke upar koi zabardasti nahi hai ki wo aapko aashish de if he still blesses you agar parmeshwar aapko aashish dete hain that is his mercy ye parmeshwar ka karuna hai so you need to be grateful aur isliye aapko aabhari hona chahiye is he blessing you now kya is samay parmeshwar aapko aashish de rahe hain the oxygen that you are breathing is his blessing jo saans aap le rahe hain wo parmeshwar ki aashish hai Whether you are a child of God, you are a believer, follower of Christ. चाहे आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, He is not withholding that oxygen from you. परमेश्वर उस ऑक्सीजन को आपसे नहीं रोक रहा है. A murderer, an adulterer, an immoral person, an alcoholic, and a thief, and a person who is so evil. They all are breathing the same air and live. चाहे कोई व्यक्ति कोई हत्यारा हो या अनैतिक व्यक्ति हो और या चोरी चोरी करता हो हर एक व्यक्ति जो है उसको ये ऑक्सीजन मिल रहा है सांस लेने के लिए So how grateful are you to God? So आप कितने आभारी हैं परमेश्वर के प्रति Abraham believed not in the promises of God, but he believed God परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ना कि उनके प्रतिज्ञाओं के ऊपर and that faith of Abraham और वो विश्वास अब्राहम का was credited to him as righteousness वो उसके लिए धार्मिकता बन गया hallelujah what faith was it कौन सा विश्वास था? It was a faith in God, not in the promises. वो विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और ना कि उनके प्रतिज्ञाओं के ऊपर. The God who has promised. जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया. He is the source. वही उसका स्रोत है. Of any blessing. कोई भी आशीषों का. Amen. Amen. And He is faithful.
और वो विश्वास योग्य है to fulfill his promise. अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए. That's what he believed about God. और यही बात अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के. So he believed God. So परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया अब्राहम ने. So he went on living. और इसलिए वो अपने वर्षों को जीता रहा. Believing God that he will fulfill what he said. और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए कि जो कुछ भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया वो पूरा करेगा. We too must focus our faith and trust not on the issue involved. और इसलिए हमें अपने विषय को और अपने विश्वास को उस उन बातों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए. नॉट ऑन द प्रॉमिस. उन प्रतिज्ञा के ऊपर नहीं. नॉट ऑन द प्रॉब्लम. और समस्या के ऊपर नहीं. एंड नॉट इवन ऑन फेथ इटसेल्फ. और विश्वास के ऊपर भी नहीं. बट फुली ऑन गॉड. लेकिन पूरे परमेश्वर के ऊपर उस विश्वास को होना चाहिए. आर यू प्रिपेयर्ड टू believe in this God? क्या आप तैयार हैं इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने? Hallelujah. Hallelujah. Has Abraham been blessed? क्या अब्राहम को आशीष मिला? Of course he was blessed. निश्चय ही आशीष पाया. He was more than a king. एक राजा से भी बढ़कर वो बन गया. He had abundance of silver and gold and servants and all kinds of blessings he had. और सोना चांदी और दास दासी बहुतायत से उसके पास था. इवन टुडे. आज भी. आफ्टर 3000 years. 3000 वर्षों के बाद. अब्राहम्स नेम. 3 मेजर रिलीजियंस ऑफ दिस वर्ल्ड अटैच दैट नेम टू हिम. अब्राहम का जो नाम है वो इस संसार के 3 बड़े बड़े धर्मों से जुड़ा हुआ है. Can you remember these religions? आप इन 3 धर्मों को जानते हैं? Yeah, the Hebrews and Muslims, Islam and Christians. 3 major religions. और 3 बड़े बड़े धर्म. Trace back their origin in Abraham. वो अब्राहम से अपने नाम को जोड़ते हैं. Was Abraham a perfect man? क्या अब्राहम कोई सिद्ध मनुष्य था? Oh no. नहीं. He had his faults. अब्राहम के अपने गलतियां थे. But he remained faithful to this God. लेकिन वो इस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बना रहा. He was not considering all the promises he made. क्योंकि वो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर अपने आंखों को नहीं लगाया था. This is what the book of Hebrews says. और यही बात इब्रानियों का पुस्तक कहता है. He considered him who has promised. पर अब्राहम ने उनके ऊपर अपने आंखों को लगाया जिन्होंने वायदे को किया. So he was not considering the promise. So अब्राहम उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर अपने आंखों को नहीं लगाए हुए थे. He considered the God who promised. उसने अपने आंखों को उस परमेश्वर के ऊपर लगाया जिन्होंने वायदा दिया. Hallelujah. Hallelujah. And that's the way you live a victorious life. और ऐसे ही हम एक विजयी जीवन को जीते हैं. We too must focus our faith. And we should not focus on the problems that are involved and our difficulties. और हमें अपने ध्यान को उन समस्याओं के ऊपर और मुश्किलों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए. Our faith should be placed on fully on this God. लेकिन हमारा विश्वास जो है पूर्ण रीति से इस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए. And if you do that, और अगर आप ऐसा करेंगे, you will not be impatient. तो फिर आप धीरज रखेंगे. You will wait for God's time. आप इंतजार करेंगे परमेश्वर के समय के लिए. For example, उदाहरण के लिए, He promised Abraham that I will give you a son. परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया दिया कि वो एक पुत्र देगा. Not through any woman, कोई और स्त्री से नहीं, but your own wife Sarah. लेकिन उसके खुद की पत्नी सारा से. But Sarah was barren. लेकिन सारा जो थी वो बांझ. She could not conceive. वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती.
How many years Abraham waited for that promise? और उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए अब्राहम कितने वर्षों इंतजार किए? If you remember my messages some time ago, eh? 25 years. 25 साल अब्राहम ने इंतजार किया. When he was 75 years old, he received the promise. जब वो 75 वर्ष के थे उनको वो प्रतिज्ञा मिला. He waited and waited. और फिर वो इंतजार करते गए. You and I will give up within 2 years. और आप और मैं जो हूँ 2 वर्षों में हम हार मान जाएंगे. Some wait, if you wait at least for 2 years, even that it is difficult for us. और बहुत लोगों के लिए 2 साल इंतजार करना भी मुश्किल है. And after 6 months you will say, 6 महीनों के बाद हम बोल अरे ये क्या है, कितना महीने हमको प्रेयर करना है, अभी तक परमेश्वर ने सुना नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है. That is our problem. यही हमारी समस्या है. Why? क्यों? We are putting our faith in the promises. क्योंकि हम अपने विश्वास को उस प्रतिज्ञा के ऊपर लगा रहे हैं. Not on God Himself. परमेश्वर के ऊपर नहीं. Once you place your faith in this God. लेकिन एक बार हम अपने विश्वास को इस परमेश्वर के ऊपर लगाएंगे. Then you wait for God's time. तब हम इंतजार करेंगे परमेश्वर के समय के लिए. Like Abraham. जैसे अब्राहम. He counted him who has promised. अब्राहम ने उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा. Amen. Amen. And when he was 100 years old. और जब वो 100 वर्ष के हो गए. And Sarah, his wife, was 90 years old. और सारा उसकी पत्नी 90 वर्ष की हुई. Suddenly that barren womb of Sarah. और अचानक वो बांझपन जो है सारा का. Suddenly became alive. अचानक वो जीवित हो गया. Become strong. और मजबूत हो गया. She was 90 years old. वो 90 वर्ष की थी. She conceived. और बच्चा उनके कोख में आ गया. And Isaac was born. और इसहाक पैदा हो गया. Why? He counted him who has promised that he would do it. क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया जिन्होंने वायदा को दिया. My brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों. Don't come to God with condition. परमेश्वर के सामने किसी शर्त को लेकर ना आए. You cannot test God. आप परमेश्वर को परख नहीं कर सकते हैं. God is God. क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है. He would do what he said he would do. परमेश्वर ने जो कहा उसको पूरा करेगा. It may take 1,000 years. हो सकता है 1,000 वर्ष बीत जाए. But he would do it. लेकिन परमेश्वर उसे करेगा. Hallelujah. Hallelujah. And it is possible if we are not careful to make our faith greater than God. और ये तभी संभव होगा अगर हम परमेश्वर से बढ़कर किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे. If we don't take care. अगर हम सचेत नहीं रहेंगे. Sometimes our faith can become greater than God. कभी कभी हमारा विश्वास जो है परमेश्वर से बढ़कर हो जाता है. That's why we hear statements like. और इसलिए हम ऐसे सुनते हैं जो लोग कहते हैं. Some people, because of my faith. मेरे विश्वास के वजह. Because of my prayer. और क्योंकि मैंने प्रार्थना किया. Thus, what do? We make our faith and our prayer greater than God. ऐसे बोलने से हम क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थना को और विश्वास को परमेश्वर से बढ़कर बोल रहे हैं. That is the mistake many people. और यही गलती बहुत लोग करते हैं. Don't think you have faith and that faith is greater than God. आप ये ना सोचे कि आपके पास विश्वास है और वो विश्वास परमेश्वर से बढ़कर है. If God does something, अगर परमेश्वर कुछ करते हैं, because he wanted to do it, क्योंकि परमेश्वर करना चाहते थे, and if he does it for you, और अगर आपके लिए करते हैं, because he wanted to do it for you, क्योंकि आपके लिए करना चाहते हैं, not because of your faith, इसलिए नहीं कि आपका विश्वास बहुत not बड़ा है, not because of your prayer, या फिर आपका प्रार्थना बहुत बड़ा है, because of himself.
लेकिन परमेश्वर के खातिर व्हाट ही इज जो परमेश्वर है एंड व्हेन ही डस और जब परमेश्वर करते हैं इट इज मेनली फॉर हिज सेक ये परमेश्वर के नाम के लिए वो करते हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन जीसस सेड इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम और यही इसका अर्थ है जब यीशु ने कहा जो कुछ भी मेरे नाम से मांगते हो यू नो व्हाट दैट मींस इसका अर्थ क्या है It is not that we merely use as his name. और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम उसके नाम को इस्तेमाल करते हैं. But Jesus said, "It is for my sake." लेकिन यीशु कहते हैं कि मेरे खातिर. I will do it. मैं उसे करूँगा. So if a miracle happens to you. So अगर आपके साथ एक चमत्कार होता है. It is first of all not for your sake he did. ये सबसे पहले आपके लिए वो चमत्कार नहीं but हुआ for है. But for his name's sake. लेकिन यीशु के नाम के लिए वो हुआ है. His glory. उसके महिमा के लिए हुआ That's why the Bible says. और इसलिए बाइबल कहती है. In many places he could not do any miracle. बहुत से स्थानों में वो कोई चमत्कार नहीं कर पाए. And whenever Jesus did a miracle. और जब कभी भी यीशु ने चमत्कार को किया. It was for his Father's glory. अपने पिता के महिमा के लिए उसने किया. Not for that blind man. उस अंधे व्यक्ति के लिए नहीं फादर्स नेम वॉज ग्लोरिफाइड पिता का नाम महिमा पाया हालेलुया हालेलुया यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हमें इस बात को समझना है एंड वेयरएवर ही सॉ दैट हिज फादर इज नॉट गोइंग टू बी ग्लोरिफाइड दीस पीपल विल अगेन डिनाई गॉड ही डिड नॉट डू मेनी मिरेकल्स और जहां कहीं उसने देखा कि उसका नाम महिमा नहीं पा रहा है वहां पर वो चमत्कार नहीं कर पाया दैट्स व्हाई मेनी पीपल कम हियर एंड प्रे एंड दे रिसीव हीलिंग एंड दे गो बैक और इसलिए बहुत लोग यहां पर आते हैं और चंगाई भी पाते हैं और वापस जाते हैं देन वी डोंट सी देम फिर हम आगे उन्हें देखते नहीं हैं आफ्टर 6 मंथ्स 6 महीनों के बाद दे विल कम अगेन वे फिर से आते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ क्या समस्या हुआ मैं ये और परेशान हो रहे कि और तबीयत खराब हो गई और परेशान होगा यू हैव नॉट अंडरस्टूड The proper kind of faith. क्योंकि हम सही तरह का विश्वास नहीं समझे It is for my Father's glory. ये मेरे पिता के महिमा के लिए है Ask and you shall receive. मांगो और तुम्हें मिलेगा Ask whatever you want. जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मिलेगा It will be given. दिया जाएगा Jesus never said that. यीशु ने ऐसे नहीं कहा That's another problem. ये दूसरा समस्या है We read just the first phrase of a verse. हम एक पद को लेकर उसे पहला जो हिस्सा है उसे पढ़ते हैं You need to study about that from many verses. और उस एक वाक्य के पीछे जो दूसरे बातें हैं उसे भी हमें समझना है You know what Jesus really said? आपको मालूम है यीशु ने वास्तव में क्या कहा If you remain in me, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, and my word remain in you, और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, then you may ask anything, तब तुम कोई भी बात मांगो, it will be given to you, तुम्हें दिया जाएगा. This is for my Father's glory. यही मेरे पिता के महिमा के लिए है. Hallelujah. Hallelujah. Thus, the world will know. You are my disciple. और ऐसे संसार जानने पाएगी कि तुम मेरे चेले हो. It is for the Father's glory. ये पिता के महिमा के लिए है. And when you give glory to God. और जब आप परमेश्वर को महिमा देंगे. You must remain faithful to Him the rest of your life. हमें अपने बाकी जीवन भर हमें उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना है. You come back. वापस आए एंड वर्शिप हिम और उसकी आराधना करें लाइक द 10 लेपर्स और जैसे वो 10 कोढ़ी जो थे. Jesus healed once 10 lepers. Together. और एक बार यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया He only said, सिर्फ इतना कहा You go, you are healed. और वापस जाओ तुम चंगे हो गए And so as they were going, और जैसे वो जा रहे थे they found they all are healed. उन्होंने पाया कि वे सब चंगे हो गए But how many came back? और कितने लोग वापस लौट के आए Just one. सिर्फ एक And that too, was not a Hebrew, not a Jew. और वो भी यहूदी व्यक्ति नहीं था. He was a pagan. वो अन्य जातियों में से था. He came back. वो व्यक्ति वापस आए. He fell prostrate on him. और यीशु के सामने
गिर गए and he began to praise God. और उसकी स्तुति और धन्यवाद देने लगे. Then he said, और फिर कहा, Were not ten cleansed? यीशु ने कहा कि क्या 10 लोग चंगाई नहीं Where पाए? Are the nine? बाकी 9 कहाँ हैं? Then he told that man, तब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, You go. तुम जाओ. Your faith has made you whole. तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पूर्ण किया है. What does that mean? इसका अर्थ क्या है? The other nine, बाकी 9 लोग जो थे, the leprosy may come again. कि उनके उनको वो कोढ़ जो है वापस फिर से आ सकती है. But not that man. लेकिन ये एक व्यक्ति को नहीं. You must remain in Jesus. आपको यीशु में बने रहना है. Remain in His body, which is the church. और उसके देह में बने रहना है जो कि कलीसिया है. Serve Him with your life. उसके सेवा करना है अपने जीवन से. Most of the people simply enjoy the healing, enjoy the blessings, and forget the blesser. और ज्यादातर लोग उस चंगाई का आनंद उठाते हैं, आशीष का आनंद उठाते हैं, लेकिन जिसने आशीष दिया है, चंगाई दिया है, उसको भूल जाते हैं. My brothers and sisters, that is the problem. मेरे भाई और बहनों, यही समस्या है. Mark chapter 11 verse 24. और मरकुस 11 अध्याय 24 पद. Therefore I tell you. और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ. Whatever you ask for in prayer, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, believe that you have received it. तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया है. And it will be that blessing will be yours. और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा. The kind of faith, जिस प्रकार का विश्वास, that produces these results cannot be created by humans or worked it up. जो इस प्रकार के परिणाम को लाते हैं, वो मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है या मनुष्य उसे उत्पन्न नहीं कर सकता. We must receive that faith. हमें उस विश्वास को पाना है. Just like we receive salvation. और जिस प्रकार हम उद्धार को पाते हैं. We must receive it from God Himself. हमें उसे परमेश्वर से स्वयं उसे ग्रहण करना है. Because He is both the source and object. और फोकस ऑफ आवर ट्रू फेथ. क्योंकि परमेश्वर ही हमारे सच्चे विश्वास का विषय और केंद्र और स्रोत है. एंड वी कैन नॉट टेक एनी क्रेडिट फॉर व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेथ. और इस विश्वास के परिणाम जो कुछ भी हो जाता है, हम उसका उसके लिए कुछ लाभ नहीं ले सकते. यू कैन नॉट से ओ इट इज बिकॉज ऑफ माय फेथ. हम ये नहीं कह सकते कि मेरे विश्वास के द्वारा ये हुआ. ओ इट इज बिकॉज ऑफ माय प्रेयर. या मेरे प्रार्थना के कारण ये हुआ. आर यू ग्लोरिफाइंग योर फेथ और प्रेयर और आर यू ग्लोरिफाइंग गॉड? क्या आप अपने विश्वास और प्रार्थना को महिमा दे रहे हैं या परमेश्वर को? इट इज फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड. प्रभु, ये आपके महिमा के लिए है. नॉट फॉर अस. मेरे लिए नहीं. नॉट फॉर मी. मेरे लिए But नहीं. Your name must be glorified. लेकिन आपका नाम महिमा your पाना name चाहिए. Must be lifted up. आपके नाम को ऊंचे उठाए जाना चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. Then you must remain faithful to Him and continue to give Him glory and honor and worship and praise and thanks. और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बने रहे और धन्यवाद और महिमा स्तुति आराधना देते रहे. Sometimes what we believe in may happen suddenly. और बहुत बार ऐसे होता है कि जिस बात पर हम विश्वास करते हैं और अचानक वो कार्य हो जाता है. Sometimes it may not. और कभी कभी ऐसा नहीं होता. Please understand that. इस बात को समझें. Yet God gives the faith that our prayers have been heard. लेकिन परमेश्वर ही वो विश्वास देते हमारे अंदर कि हमारे प्रार्थना सुने गए. And that God will respond in His perfect time and way. और परमेश्वर अपने ही समय में अपने ही तरीके से उसका उत्तर देंगे. But there is a condition. लेकिन इसके पीछे एक शर्त है. Look at verse 25. 25 आयत को देखें. Can you read? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, तो क्षमा करो. सो व्हेन यू कम, सो जब तुम आते हो वांटिंग प्रेयर और प्रार्थना करते हो एंड वांट टू प्रे
और प्रार्थना करना चाहते हैं, इफ यू वांट गॉड टू रेस्पॉन्ड टू योर प्रेयर, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुने, गॉड हैज अ कंडीशन, परमेश्वर का एक शर्त है, व्हेन यू स्टैंड इन हिज प्रेजेंस, जब आप उसके उपस्थिति में खड़े होते हैं, इफ यू हैव एनी हेट्रेड और एनी ग्रज अगेंस्ट एनी बिटरनेस अगेंस्ट एनीबॉडी, अगर आपके अंदर कोई घृणा है, कोई बैर है किसी के प्रति, रिमूव इट, उसको हटा दे, गो एंड आस्क हिम, Brother, sister, please forgive me. I was carrying this grudge against you. सबसे पहले आप उस व्यक्ति के पास जाए और क्षमा मांगे और बोले कि मेरे अंदर ये भावना था आपके प्रति. You cannot have hatred towards people, your people and others, and then expect God to do you good. और ऐसे नहीं हो सकता कि आपके अंदर किसी के लिए कोई विरोध हो और फिर आशा रखे कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेंगे. That your Father in heaven also may forgive you your sin. ताकि आपका पिता जो स्वर्ग में है आपके अपराधों को क्षमा करें. Things are becoming clearer to you. अब आप समझ रहे हैं बातों को. How to experience God's miraculous? कैसे आप परमेश्वर के चमत्कार को अनुभव कर सकते हैं? How to receive God's favor? कैसे परमेश्वर के आशीषों को पा सकते हैं? First of all, the faith that will bring it to you has to come given to you by God Himself. सबसे पहले वो विश्वास जो आपके अंदर होना चाहिए, वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए. It is not your faith. आपका विश्वास नहीं. So don't say because of my faith. So ये ना कहे मेरे विश्वास के कारण. You don't have faith. आपके पास विश्वास नहीं है. That faith is given to you by God Himself. क्योंकि वो विश्वास आपको परमेश्वर की ओर से दिया गया है. He is both the source and the object of your faith. परमेश्वर ही उस विश्वास का विषय है और उसका स्रोत है. And prayer. और प्रार्थना. If you are not a born again Christian, अगर आप नए जन्म नहीं पाए हुए, if you are not a spirit-filled person, अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं, you cannot even pray properly, तो फिर आप सही से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे. So even prayer, so प्रार्थना भी, you need the power of the Holy Spirit to enable you to pray. ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर हो प्रार्थना करने के लिए. We must not deceive ourselves. और हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए. Thinking that we can maintain the proper kind of faith that brings answers to prayer, even if we secretly hold some hatred, some grudge against somebody. और ऐसे ना सोचे कि अपने विश्वास से हमें आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, जबकि हमारे अंदर गुप्त रीति से हम किसी के लिए विरोध रखते हैं. Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. And while standing, open it also in your Bible. और जबकि आप खड़े हैं, अपने बाइबल को खोलें. Matthew chapter 18. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय. Verse 35. 35 पद. मत्ती 18 अध्याय 35 पद. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम से भी वैसा ही करेगा. God's punishment will be very unbearable. और परमेश्वर अगर दंड देगा तो फिर हम उसे सह नहीं पाएंगे. This is talking about a person who was forgiven by the master, but he himself was not willing to forgive someone who owed him a very small amount. और ये ऐसे व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं जो स्वयं परमेश्वर की ओर से उसने क्षमा प्राप्त किया है, लेकिन कोई व्यक्ति को वो क्षमा नहीं कर पा रहा है. टू सर्वेंट, दो दास. द फर्स्ट वन ओड अ ह्यूज अमाउंट टू द मास्टर. और पहला व्यक्ति जो है, पहला दास जो है, वो बहुत बड़े कर्जे में था और अपने स्वामी को बहुत पैसा देना था. So one day the master called him. एक दिन स्वामी ने बुलाया. And he said, "You have to pay me back." और स्वामी ने कहा कि तुम्हें ये कर्जा पूरा करना है. And he said, "Master, please give me
few more days. और दास कहता है कि हे स्वामी मुझे कुछ समय और दे दे. Because the master ordered sell his wife and his children and everything he has that he may be able to give me. और क्योंकि स्वामी ने आदेश दिया था कि इसके पत्नी को इसके बच्चों को और सब कुछ इसके घर को बेच डालो. But he fell on his knees. लेकिन ये व्यक्ति जो है स्वामी Master, के सामने गिर forgive, गया. Forgive me. कि स्वामी मुझे क्षमा कर. Give me few more days. मुझे कुछ दिन और दे दे. I will give. मैं लौटाऊंगा. And when the master saw the struggle of this man. और जब स्वामी ने देखा इस दास के संघर्ष को, he felt compassion. उसने दया दिखाया. You know what he did? उसने क्या किया? He forgave all his millions. उसके सारे कर्ज को माफ कर दिया. Millions of rupees. लाखों रुपयों का जो कर्जा था, वो पूरा क्षमा माफ कर दिया. Forgave. माफ कर दिया. And this servant, as he was going, और ये दास जबकि वहाँ से वापस लौट रहा था, he saw another servant, उसने दूसरे एक दास को देखा, who owed him a very small amount, like 50 rupees or 100 और जिसका कोई छोटे मूल्य का कर्जा था इसके ऊपर, and he got hold of him, और इस व्यक्ति ने पहले दास ने उस व्यक्ति को पकड़ा, and he caught his neck, गले को पकड़ा. Give me my money. मेरा पैसा लौटाओ. He said, "Please forgive me." उस दूसरे दास ने बोला, मुझे क्षमा कर दे. Give me for few more. मुझे कुछ दिन दे दे. I will give you. मैं पूरा लौटा दूंगा. But he wouldn't listen. लेकिन इस व्यक्ति ने सुना नहीं. Beaten him up. उसको मारपीट किया. And then put him in prison. और उसको जेल में डाल दिया. Some servants saw this incident. और कुछ दूसरे दासों ने इस घटना को देखा. They were heartbroken. They felt so bad. और उनको बहुत बुरा लगा. So they went to the master. तो वे फिर उस स्वामी के पास गए. And they told him. और उससे कहा. That servant whom you forgave, master. और जिस दास को आपने क्षमा किया. He went to another servant. वो दूसरे एक दास के पास गया. Who owed him only 100 rupees. और जिसका कर्जा बहुत कम था उसके ऊपर. And he pleaded with him to give him few more days. और उसने बहुत विनती किया कि कुछ दिन मिल जाए. But he beaten him up. लेकिन उसने उसको बहुत मारपीट किया. And now that poor man is in jail. और अब वो जेल में है. The master became furious. स्वामी जो है बहुत क्रोधित हो गया. He called that servant. उस दास को बुलाया. And he called you wicked fellow. कि तुम दुष्ट व्यक्ति हो. Put him in prison. इसको भी जेल में डाल दो. And sell his wife and children to everyone. इसके पत्नी और बच्चों को और घर को सबको बेच डालो. And he will never come out of that jail. और कभी भी वहां से निकलने ना पाए. Then Jesus said. यीशु ने कहा. This is the way God is going to act. If you are not willing to forgive, ऐसे ही परमेश्वर व्यवहार करेंगे अगर आप अपने दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे. Forgiveness does not cost you anything. क्योंकि क्षमा करने के लिए आपके लिए कोई कीमत नहीं चुकाना है. You understand? आप समझ रहे हैं? So freely forgive. Forgiveness will only. और इसलिए क्षमा करें. Only lift you up. क्योंकि क्षमा करने से आप ही ऊपर उठ जाएंगे. Your honor will increase. और आपका जो आदर सम्मान है वो बढ़ेगा. When you forgive. जब आप क्षमा करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. And may the Lord give you the faith that is needed. और होने पाए परमेश्वर आपको वो विश्वास दे इस कार्य को करने के लिए. When you come to God, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, you must admit, Lord, I am not worthy. और आपको इस बात को बोलना है कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ. I am appealing your mercy. और मैं आपके करुणा के सामने झुकता हूँ. And he's a merciful God. वो एक करुणा निधि परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. You trust God. उसके ऊपर भरोसा रखें. Lord, I don't have faith. प्रभु मेरे पास विश्वास नहीं है. But you can give me that. लेकिन आप मुझे वो विश्वास दे सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Receive it from God. परमेश्वर से उसे ग्रहण करें. And when you have that faith. और जब आपके अंदर वो विश्वास आएगा. Don't glorify that faith. आप उस विश्वास को बढ़ाएं. Don't make your faith or prayer larger and bigger than God. उस विश्वास और प्रार्थना को परमेश्वर से बढ़कर ना करें. It is God. क्योंकि ये परमेश्वर ही है. There is no one bigger than God. परमेश्वर से बढ़कर और कोई नहीं. Not even my faith. मेरा विश्वास भी नहीं.
Let us all lift up our hands. आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Just open your mouth and अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर. Let your voices come forth. आपके आवाज उठने पाए. Hallelujah. 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 Hurra Baba. Hallelujah. धन्यवाद. God, you are everything. You are the source of my faith. Hey, Parmeshwar, aap hi mere vishwas ke srot hai. You are also the object of my faith. आप ही मेरे विश्वास का विषय हैं. Hallelujah. Hallelujah. Unless I receive it from you, Lord. और जब तक प्रभु मैं आपसे ग्रहण ना करूं. I cannot have. मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूं. It is all for your glory, Lord. ये सब आपके महिमा के लिए हैं. Amen. Hallelujah. Let every miracle must glorify God. हर एक चमत्कार जो है परमेश्वर को महिमा देना है. That's why psalmist in one of the psalms he cried out. और इसलिए भजन लिखने वाला अपने भजन में कहता है. Not unto us, O Lord, not unto us. हे प्रभु हमारे ऊपर नहीं हम पर नहीं. But for your own glory. लेकिन सिर्फ आपके महिमा के लिए. Deliver us, Lord. हमें छुटकारा दें. Hallelujah. Hallelujah. For your own glory. आपके महिमा के लिए. Not for my benefit. मेरे भलाई के लिए नहीं. But for your name's sake. लेकिन प्रभु आपके नाम के खातिर. When Jesus said, "You pray in Jesus' name." जब यीशु कहता है मेरे नाम में प्रार्थना करो. It actually means for the sake of Jesus. इसका अर्थ यही है कि यीशु के नाम के खातिर. If I am blessed, it is because. For the sake of Jesus. अगर मैंने आशीष पाया है वो यीशु के नाम के खातिर. Lord, I thank you. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ. I bless you. आपको आशीष करता हूँ. May your people be blessed, O God. होने पाए आपके लोग आशीष पाने पाए. Let them receive this faith from you. होने पाए ये विश्वास आपसे ग्रहण करें. And let this faith directed towards you. और होने पाए ये विश्वास आपकी ओर केंद्रित किया जाए. Yes, you have given us many promises. हाँ आपने हमें बहुत से प्रतिज्ञाएं दी हैं. But like Abraham. लेकिन अब्राहम के समान. Our faith should not be for on the promises of God. हमारा विश्वास उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर नहीं. But on the God who लेकिन promised. उस परमेश्वर के ऊपर. He who has promised. जिसने प्रतिज्ञा दिया है. He is faithful. वो विश्वास योग्य है. He is faithful. वो विश्वास योग्य है. Because of his faithfulness. क्योंकि इस विश्वास योग्यता के कारण. Hallelujah. Not because of his promise. उसके प्रतिज्ञाओं के कारण नहीं. But because he is faithful. लेकिन क्योंकि वो विश्वास योग्य है. It is going what he said. Is going to happen. जो कुछ भी वो कहता है वो पूरा होगा. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. My young children. मेरे जवान बच्चे. This is the God of the Bible. यही बाइबल का परमेश्वर है. He has great things for you. He wants to do. परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े कार्य करना चाहते हैं. But you exercise the faith that you receive from him. लेकिन उस विश्वास को ग्रहण करें जो परमेश्वर की ओर से है. So we give all the glory not to the fulfilled promises but all honor and glory and praise God to him and him alone. और सारी आदर और महिमा उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर नहीं लेकिन उस परमेश्वर को मिलने पाए. And that kind of faith और उस प्रकार का विश्वास will make you patient. उसके लिए हमें इंतजार करना है. Sometimes immediate answers may come. और कभी कभी हमें उत्तर तुरंत मिल जाते हैं. Sometimes it may take longer than we लेकिन कभी कभी बहुत दिन लग जाते हैं. But as long as your faith is of God. लेकिन जब तक हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है. You will wait. हम इंतजार करेंगे. You won't give up. हम हार नहीं मानेंगे. You will still trust. हम फिर भी उस पर भरोसा रखेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Lord, we all need to have that proper understanding. और प्रभु हम सबको वो सही समझ दे. May the Lord's blessing be upon you all. परमेश्वर के आशीषें आपके ऊपर होने पाए.